जिले में बाल विवाह और बाल सगाई पूर्णतः भले ही कागजों में बंद कर दी गई हो, लेकिन धरातल पर नाबालिग लड़कियों का हाल बेहाल हो रहा है और लड़कियां न्याय के लिए दर दर भटक रही है। नरसिंहगढ़ तहसील के तहत आने वाले ग्राम पांजरी की रचना का विवाह वर्ष 2016 में ग्राम तेरानी तहसील बावरा में राजेश लववंशी के साथ हुआ था। रचना ने बताया कि शादी के 6 महीने बाद ही राजेश मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगा। तब से मैं अपने माता पिता के यहाँ रह रही थी। वर्ष 2016 में मैंने भरण पोषण का केस भी दायर किया, मगर हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ। वहीं राजेश ने नाबालिग लड़की से सगाई भी कर ली। उधर बालिका द्वारा 23 जून को नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी से शिकायत की गई। नरसिंहगढ़ SDM ऑफिस से भी गुहार लगाई, लेकिन जैसे ही राजेश को उक्त शिकायत की जानकारी मिली, वह 19 जून को मेरे गांव आया और मेरे साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत करने पीड़िता नरसिंहगढ़ थाने भी गई, मगर पुलिस द्वारा पीड़िता के भाई राजेंद्र पर ही उल्टा कार्रवाई कर दी गई। कहाँ पे रहती हो? क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरी घटना ये हुई, मेरे पति दूसरी लड़की के साथ सगाई कर ली। थाने में पहुंची, थाने वाला ने कहीं नहीं सुनी, कार्रवाई नहीं कर दिया। फिर मतलब मल्लावर की पुलिस से आ गई, नाश थाना से भगा दिया हमने। थाने से क्यों भगा दिया? शादी हो जाएगी यदि कार्रवाई करेंगे, इतने शादी हो जाएगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाने बुलाया, सामने थाने आया, थाना सुन कर दिया। मेरा पति के पास फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पुलिस वाले ने कह दी कि तुम जाओ घर, वहाँ मैं आते। फिर आए कि नहीं आए पुलिस? नहीं आया, हम जेल में रास्ता में जा रहे हैं भाई दो, मतलब फिर साड़ी पकड़ के खींच ली गाड़ी पर, मुझे बहुत मारा, मेरी भाई की रिपोर्ट डाल दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिपोर्ट डाल दी। तुमने रिपोर्ट करी अपने? आपकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आपके भाई के खिलाफ रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डाल दी। आप गए थे थाने आपकी FIR दर्ज कराने आपके पति के ऊपर? गई थी। तो क्या बोले पुलिस वाले? बोले दोनों की हो गई जेल। तो किसकी हुई अभी जेल? मतलब दोनों जाग अंदर जा।